हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में ये क्वेश्चन हम देखते हैं जेईई मेंस 2020 का, जेईई मेंस 2022 का जो ये क्वेश्चन आया हुआ है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड 2 cos x² + x/6 दैट इज इक्वल टू 4 की पावर x + 4 की पावर -x। थोड़ा इसको समझिए, यहाँ ये सेट एस है उन सब एक्स का जो रियल नंबर है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाले जितने भी एक्स है वो इस सेट एस में आएंगे और वो रियल नंबर होना चाहिए। तो ऐसे कितने एक्स है बस ये फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर ये जो फंक्शन है 2 cos x² + x/6 ये -2 और 2 के बीच में लाई करेगा। मैं इस पूरे को एफ एक्स मान लेता हूँ, तो ये -2 और 2 के बीच में लाई करेगा, करेक्ट, इंक्लूडिंग -2 एंड 2। और इसको देखिए, इसको आप am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, इसका कॉन्सेप्ट बहुत आजकल नहीं आता है am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, लेकिन 2022 में ये आया है। तो 4x + 4 की पावर -x डिवाइडेड बाई 2, ये am हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4x * 4 की पावर -x और इसकी पावर आ जाएगी 1/2। तो मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया है, am ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 4x + 4 की पावर x > 2, करेक्ट, ये तो 1 हो जाएगा, करेक्ट, 4 की पावर 0 1, तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दूंगा, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है ना, मिनिमम वैल्यू 2 है, मतलब ये 2 या 2 से ज़्यादा है, ठीक है। तो अब ये 2 और 2 से ज़्यादा है तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 हो रही है और इसकी भी वैल्यू 2 होगी, तब ये दोनों सेम होंगे, बस हो गया, सॉल्यूशन ख़त्म हो गया आपका। ये 2 कब होता है, जब x को 0 रखते हैं, व्हेन x इक्वल टू 0 देन दैट विल बी 2। तो फाइनली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपका एक आ जाएगा इसमें।